नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ राजस्थान जीके लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में जारी की गई राजस्थान की खनिज नीति के अनुसार अवैध खनन पर सज़ा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? दोस्तों, इसका आंसर है 5 वर्ष तथा 25,000 रुपये जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? दोस्तों, राजस्थान का केसरिया बालम उसका राज्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का नृत्य है, घूमर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो वर्षों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है होता है? तो दोस्तों, वह सामूहिक नृत्य हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य क्या कहलाता है? गैर नृत्य कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? तो शेखावटी। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? जैसलमेर से। कहाँ से हुआ? दोस्तों, जैसलमेर से। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के जैसलमेर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह करते हुए किया जाता है? वह अग्नि नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पृथ्वीराज राठौर की रचना किसने की थी? चंद्रप्रदाई ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हिंदी साहित्य में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पीसल देव राठौर की रचना किसने की थी? वह नरपति नाला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हमीर राठौर में हमीर काव्य की रचना किसने की थी? तो सारंग देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसल देव की वीरता पराक्रम राजमती के मध्य प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिसल देव राठौर में किया था? तो दोस्तों, नरपति नाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसल देव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? तो आंसर है मालवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलपति विजय द्वारा रचित कुमार राठौर मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियां थी? तो महाराजा राज सिंह के। नेक्स्ट, कुमार राठौर ग्रंथ की रचयिता कौन है? दलपति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौर ग्रंथ की रचना किसने की थी? जयनायक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बूंदी के महा राव राम सिंह के दरबार के कवि कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाला झुलारी कुंडलिया की रचयिता किसने की थी? वेश्वर ईश्वरदास ने किया था। कन्हा दड़े प्रबंध ग्रंथ की रचयिता कौन है? पद्मनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध बैली कृष्ण रुक्मणि री रचना किसने की थी? राठौर पृथ्वीराज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतारी फुलवारी की रचना किसने किया था? यह विजय दान देथा ने। नेक्स्ट, सूर्य मल मिश्रण की रचना बूंदी महाराज द्वारा सूरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, वह वंश भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? वह धरण शाह ने कराया था। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में शादी के समय ढोली सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो ढोल नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा राणा कुंभा द्वारा कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ? तो वह मेवाड़ी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एडी तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? घाघरा। निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहनने वाला आभूषण है? ओवला, नाक में नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट, ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? क्रिसमस के अवसर पर। नेक्स्ट, मुस्लिम संप्रदाय द्वारा मोहम्मद पैगंबर
जन्म याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो 12 वफात मनाते हैं। नेक्स्ट, कोलंबिया द्वारा स्त्रियों की भीख मांगते समय राजस्थान में किए जाने वाला नृत्य जिसे चंग का प्रयोग किया जाता कहते हैं बागड़िया। नेक्स्ट है, नाथ द्वारा द्वारा राधा कृष्ण परंपरा नृत्य जो पुरुष महिला युगल के रूप में होली के अवसर पर करते हुए नृत्य है डांग नृत्य है। नेक्स्ट, व्यंजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित दिवाली के अवसर पर किया जाता है बांगड़। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथ में तलवार लेकर किया जाता है मेवाड़ा क्षेत्र में। श्रीमती फूलकबाई राजस्थान के किस प्रसिद्ध नृत्य हैं किसी है? वो डांसर हैं, चेरी नृत्य की डांसर हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चेरी नृत्य किस समाज के की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। राजस्थान किस किस जिले में मरु उत्सव का आयोजित होता है? यह जो है मरु उत्सव जैसलमेर में होता है, यह फागुन की पूर्णिमा के दिन होता है, खास तौर से पूर्णिमा के टाइम पर फागुनी पूर्णिमा। थार महोत्सव का आयोजन स्थल राजस्थान के जिले में होता है बाड़मेर में। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बीकानेर में। राजस्थान में तीज उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? जयपुर में। ब्रह्म महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जिले में होता है भरतपुर में। राजस्थान में कहाँ शारदा उत्सव मनाया जाता है? माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह होता है? जयपुर में। किस स्थान किस जिले में दशहरा महोत्सव होता है? कोटा में। नेक्स्ट, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। कहाँ दोस्तों? जोधपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। और कौन सा उत्सव आयोजन बूंदी में होता है? तो कजली तीज उत्सव। और हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? टोंक जिले में बोली जाती है। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों को बच्चे पर बनाया जाता है सांझी। कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? और से दुल जुहा और मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? मेड़ता नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चाक्षु शीतला माता का मेला कब होता है? चैत्र मासी कृष्ण पक्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवविवाह और बालिकाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तीज। नेक्स्ट, बौद्ध को क्या मानते हैं? बुद्ध निर्वाण दिवस। बौद्ध क्या मनाते हैं? बुद्ध निर्वाण दिवस मनाते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है? सिरोही में। नेक्स्ट, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का स्थल है? जैन योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल देवी बाण माता की आराधना का स्थल कहाँ पर है? मेवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशिया जोधपुर में किस अवशेष पाए गए हैं? तो वह 1000 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरा में है, यह राजस्थान के जिले में उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर राजस्थान के जिले में आयोजित किया जाता है डूंगरपुर में। धर्म का सर्वमान्य अर्थ है जो धारण किया जाए। राजस्थान में धार्मिक प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक रही, इसका कारण है राज्य की संस्कृति में ही धर्म का पुष्ट होना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस धर्म के मानने वाले लोग सबसे अधिक हैं? हिंदुओं के। हिंदू धर्म के बाद किस धर्म की संख्या अधिक है? मुसलमानों की। फारसी लोग किसके पास हैं? सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसियों द्वारा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो फारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैन अवेस्ता।
बेस्ट है। धर्म प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में अधिक हुआ है, वह है वैदिक धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धर्म का प्रचारक कौन सा धर्म सनातन धर्म है? तो उसका आंसर हिंदू धर्म सनातन धर्म है। निम्न में से कौन राजस्थान के सियाओं का पवित्र स्थल है? तारागढ़ राजस्थान में सिया मुसलमानों का पवित्र धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर बौद्ध चैतालियों के अवशेष मिले? तो वह बैराटपुर बैराट या जयपुर में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रामानुजाचार्य किस धर्म के अनुयायी थे? वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस को भागवत मत कहते हैं? तो वैष्णव मत को भागवत मत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सिख धर्म का है? तो वह गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का ग्रंथ है। राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्मावलंबी की संख्या सबसे अधिक है? वह है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी धर्म के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते हैं? तो फारसी धर्म के लोग जो हैं सूर्य और अग्नि की पूजा करते हैं। राजस्थान के किन जिलों में बौद्ध अनुयायी संकेंद्र केंद्र है? यह जयपुर और अजमेर में है। राजस्थान के किस जिले में दरगाह शरीफ है? अजमेर में है। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? तो वैष्णव धर्म के संप्रदाय के लोग कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का नाम है मोहम्मद साहब। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है? महात्मा बुद्ध को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजघराना सोमवेद को मानने वाला था? तो मेवाड़ उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेवाड़ राजकुल का राध्य देव माने जाते हैं? एकलिंगेश्वर। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मिलता है घोसुंडी लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है नाथ द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ है? वह रामानुज संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है तपस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा लोक देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाते हुए जीवन अवधि दे दी? यह तेजाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर की नरेश कुल देवी के रूप में निम्नलिखित में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो समांगिया देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जम्भाजी द्वारा संपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? विष्णुई। नेक्स्ट, राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाते हैं गुरु का मार्गदर्शन। नेक्स्ट, राजस्थान में मुंडियार की ख्याति किसका वर्णन है? तो है मराठवाड़ के शासकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर विष्णु संप्रदाय के लोग हैं? तो वो हैं जम्भाजी। कहाँ पर हैं दोस्तों? वो हैं जम्भाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी क्या है? चामुंडा देवी, जिसको हम नागणे चीजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 13वीं पंथी संप्रदाय के संस्थापक थे भीखमजी ओसवाल। नेक्स्ट, दादू संप्रदाय द्वारा मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? नारायणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वह जसनाथी संप्रदाय से है। नेक्स्ट है, संत जम्भो जी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? विष्णुई संप्रदाय की। नेक्स्ट है, राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1875 में हुई थी। नेक्स्ट, वेदों की ओल्ड ऑटो इनारा किसका था? दयानंद का था।
नेक्स्ट है सत्य, सब विद्याओं का मूल है, ये कथन किसका है? आर्य समाज का है। नेक्स्ट है जयपुर में कच्छव राजवंशी आराध्या देवी थी, शिला देवी। नेक्स्ट है बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिकोटा ऑफ राजस्थान का लेखक कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं, वह है दिगंबर जैन की शाखा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धर्म जैन के प्रमुख आचार्य मानते हैं? वासरवनाथ वह महावीर को। नेक्स्ट है ब्रह्मांस मंडली का संबंध किससे है? तो वह जसनाथी संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो वह गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है राजस्थान के जसनाथी संप्रदाय प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म हुआ है कतरिया बीकानेर। नेक्स्ट राजस्थान में राम से किसके उपासक हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्म के। नेक्स्ट राजस्थान में लोग संत जोंबा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पिपासन नागौर में। नेक्स्ट दयाल दो विख्यात शिष्य जिन्होंने प्रसिद्ध प्राप्त किए हुए हैं सुंदर जी और रज्जब जी। नेक्स्ट राजस्थान में किस त्यौहार पर खिचड़ी पूजा की जाती है? तो वह दशहरा पर खिचड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट परमहंस मंडली राजस्थान के किस संप्रदाय की है? जैन साथी संप्रदाय की। नेक्स्ट राजस्थान में दादू पंथी पर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दादू दयाल। राजस्थान में दादू जी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? वह नारायणा जयपुर में बना है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। जसनाथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस स्थान पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट राजस्थान के रामानुजम संप्रदाय के संस्थापक है जसनाथ जी। नेक्स्ट राजस्थान में निकम्बार संप्रदाय के संस्थापक है रामानुजाचार्य। कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक है कबीर जी। नेक्स्ट राजस्थान में दासी प्रथा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मीराबाई। शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट राजस्थान की गोंडीय संप्रदाय के संस्थापक हैं गौरंग महाप्रभु। नेक्स्ट निम्बार संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थान राजस्थान में किस पर है? किशनगढ़ अजमेर में। नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? वह जोधपुर में है। नेक्स्ट किस संप्रदाय में नागा और निहंग नामक दो संस्थान राजस्थान में मिलती हैं? दादूपंथी। नेक्स्ट वैष्णव संप्रदाय की दो प्रमुख गद्दियाँ राजस्थान में कहाँ पर हैं? नाथद्वार और कोटा में। नेक्स्ट रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। एक राठौड़ सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट का प्रयोग किया था, रक्षा भी की थी, कौन था? वह थे बाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में संत धन्ना जी के धार्मिक आंदोलन का योगदान किसके शिष्य थे? वह रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट इनमें से राजस्थान के विष्णु संप्रदाय का धर्म कहलाता है? जम्बा सागर। नेक्स्ट राजस्थान में लालनाथ जी संबंधित थे जसनाथ संप्रदाय से। नेक्स्ट राजस्थान में विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तक जोंबा जी किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट राजस्थान में विष्णु संप्रदाय की मान्यता है? सभी मान्यताएँ लगभग हैं। राजस्थान के संत जोंबा जी किसके शिष्य थे? गुरु गोरखनाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जोंबा जी जिन 29 नियमों का परिवर्तन किया उनमें मानने वालों को विष्णु ही कहा गया है। राजस्थान में राम द्वारा कहाँ संबंधित है? यह है राम स्नेही संप्रदाय की प्रार्थना स्थल के रूप में। राजस्थान में वह कौन सा संप्रदाय जिसे राम भक्ति की पूजा और कृष्ण भांति रसिक नमक मानते हैं? तो वह रामानुजम संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गोराकन प्रभु की अधिक किस जिले में है? जयपुर में। इसके अधिकतर अनुयायी जो है भक्त हैं जयपुर में हैं। राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध है गौंडीय संप्रदाय से। नेक्स्ट राजस्थान में लालजी दास संप्रदाय के अधिकतर लोग सामान्यतः किस जिले में है? अलवर और भरतपुर में। राजस्थान में शैव संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में शैव संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? वह लुकुलिश को। नेक्स्ट राजस्थान में शैव मत संबंधित परिवार था उदयपुर
राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5वीं एवं 7वीं गोकुल जी और चंद्रमा जी कहाँ पर हैं? कामा भरतपुर में। राजस्थान में रामानंद के शिष्य थे, तो कई लोग थे, ठीक है, यह आप कमेंट्स में बताएंगे। राजस्थान के संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? घुमन गाँव टोंक में। राजस्थान में ईश्वर की प्राप्ति के लिए वल्लभ संप्रदाय लोग प्रयुक्त करते हैं पुष्टि शब्द। राजस्थान में अधोरी के संबंध में सत्य है, शमशान में रहने वाले लोगों को अघोरी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में अलग 25 तथा परमात्र विचार जैसे ग्रंथों के लेखक कौन है? चतुर सिंह जी। नेक्स्ट, राजस्थान में लालजी दास संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत लाल दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक हैं जिज्जा देवी। नेक्स्ट है, राजस्थान में संत लाल जी में वो जिन्हें लाल दासी संप्रदाय चलाया, कहाँ पैदा हुए थे? वह धोली धूप अलवर में। राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का दूसरा धार्मिक पीर परुखुद्दीन की दरगाह कहाँ है? गलिया कोटा में। नेक्स्ट, राजस्थान का दरिया पंथ का धार्मिक स्थान है रेड टोंक में। राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चला गया था? वह महापति प्राणनाथ के द्वारा चला गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव आदर्श ख्वाजा नमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। नेक्स्ट, अघोरी जो शमशान में रहते हैं संबंधित है कपालिक। राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उदय से? वाणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय के उपदेश संकलित हैं कुलजय स्वरूप में। नेक्स्ट, राजस्थान में राम चरण जी महाराज का पूर्ण नाम था रामकृष्ण, उनका पूर्ण नाम था। राजस्थान में नाहौर तहसील गंगानगर प्रसिद्ध मेला लगता है किसका? गुग्गा जी का मेला लगता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ यूपी के, पंजाब, हरियाणा के कई प्रदेश के लोग आते हैं। अब गोगा जी क्या है? ये गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र अत्यंत उमंग और उल्लास से मनाया जाता है त्यौहार है दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भेलों का कुंभ क्या कहलाता है? गणेश्वर शिव मेला। राजस्थान में परमसर नागौर का पशु मेला कहलाता है तेजा जी पशु मेला। नेक्स्ट है, राजस्थान में रुपेण मेला की वह विशेषता सुखी समाज के लिए अवसर सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। राजस्थान में सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? वह नागदम है। राजस्थान में नृत्य सूरदास और संकरिया किस पेशे वर जाति से संबंध रखते हैं? सपेरा से। नेक्स्ट, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे आकर्षित करने वाला मेला कहाँ लगता है? वह पुष्कर में लगता है। राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर क्या है? ओशिया कहाँ स्थित है? ओशिया में। नेक्स्ट है, राजस्थान में रणकपुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रणकपुर मंदिर जो है धन्ना सेठ, कौन निर्माता थे उसके? धन्ना सेठ निर्माता थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में घुघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? पौष में करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में बीज मेले का आयोजन आदिवासी कब करते हैं? दिवाली के एक महीने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा था? विमल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर किस स्थान पर है? भैंसरोगढ़ में। नेक्स्ट, गुड फ्राइडे किस धर्म का है? ईसाई संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है? तो जालौर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? वह कोलायत में लगता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मुसलमानों द्वारा ताजे निकाले जाते हैं मुहर्रम के अवसर पर। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जाति के लोग अपना साथी चुनते हैं? सहरिया जाति के। राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में। नेक्स्ट, राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला क्षेत्र बूंदी अष्टमी कहाँ लगता है? मेवाड़ के गोमेलगांव में। नेक्स्ट, राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? गोगामढ़ी। नेक्स्ट, राजस्थान में पत्थर पर होली के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है महावीर जी में।
तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। धन्यवाद।